नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आईपीएल 2019 के ऑक्शन के बाद टीम मुंबई इंडियंस ने युवराज सिंह और लसिथ मलिंगा समेत कुल 24 खिलाड़ियों को अपने टीम स्क्वाड में शामिल कर लिया है, जहां टीम ने अनमोल प्रीत सिंह, बरिंदर सन जैसे युवा खिलाड़ियों को टीम में जगह दी। वहीं टीम ने एक्सपीरियंस के तौर पर युवराज सिंह और लसिथ मलिंगा जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टीम मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आईपीएल 2019 में। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं मुंबई इंडियंस के जिनको प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको क्रिकेट से जुड़ी रोजाना अपडेट्स देते रहे। तो दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 की, जहां सबसे पहले आते हैं मुंबई इंडियंस के दो ओपनर्स। दोस्तों ओपनर जोड़ी के तौर पर रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि T20 फॉर्मेट के रोहित शर्मा एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर वो ओपनिंग करने आते हैं तो टीम को काफी फायदा होगा और काफी लंबी इनिंग्स भी खेल सकते हैं वो। और दोस्तों बात करें क्विंटन डी कॉक की, तो वो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ओपनिंग करते हुए उन्होंने शानदार रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इसलिए दोस्तों रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक की जोड़ी काफ़ी अच्छी रंग लाएगी। हालांकि दोस्तों ओपनर के तौर पर वेस्टइंडीज के एविन लुइस भी टीम के पास अच्छा विकल्प मौजूद है। इसके बाद तीन नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जिन्होंने पिछले साल मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग की थी और टीम के लिए काफ़ी शानदार इनिंग्स खेली थी। इसके बाद दोस्तों बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो यहां पर आप सभी चार नंबर पर युवराज सिंह को खेलते हुए देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, युवराज सिंह जिनको इस बार मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में उनके बेस प्राइस पर खरीदा था। दोस्तों युवराज सिंह के पास काफी ज्यादा T20 एक्सपीरियंस भी है और टीम के काफी काम आ सकते हैं युवराज सिंह। इसके बाद दोस्तों पांच नंबर पर कृणाल पांड्या खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कृणाल पांड्या ने मुंबई इंडियंस के लिए टॉप ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा इनिंग्स खेली हुई है और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं वो ऊपर आकर। इसलिए दोस्तों मुंबई इंडियंस अगर उनको ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजता है तो टीम को काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों छः नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बेन कटिंग को मौका मिल सकता है। हालांकि दोस्तों टीम के पास वेस्टइंडीज के कारण पोलार्ड पहले से ही मौजूद है, लेकिन दोस्तों बेन कटिंग शानदार फॉर्म में रहे हैं। केएफसी बिग बैश में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, इस हिसाब से बेन कटिंग को पहले मौका मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों सात नंबर पर टीम के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें टीम मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर टीम के पास काफी अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है। दोस्तों टीम के पास ईशान किशन, जो कि मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो भी मौजूद हैं, और साथ में ही आदित्य तारे, सिद्धेश लाड और अनमोल प्रीत सिंह जैसे युवा खिलाड़ी भी मौजूद हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं टीम की गेंदबाजी के बारे में, जहां पर आप सभी को आठ नंबर पर मिचेल मैकलेनघन या फिर जेसन बेरेंडॉफ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों मिचेल मैकलेनघन मुंबई इंडियंस के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं और टीम के साथ वो अच्छा प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। वहीं बात करें जेसन बेरेंडॉफ की, तो वो ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज हैं और अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को काफी तंग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट चॉइस के तौर पर रहेगी वो मिचेल मैकलेनघन के ऊपर रहेगी। मुंबई इंडियंस मिचेल मैकलेनघन को ज्यादा चांसेस देना चाहेगी क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 9 नंबर पर मयंक मार्कंडे खेलेंगे, जिन्होंने पिछले सीजन मुंबई इंडियंस के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। दोस्तों मयंक मार्कंडे लेग स्पिनर है और पिछले सीजन अपनी गेंदबाजी से उन्होंने बल्लेबाजों को खासा तंग किया था। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर पर यॉर्कर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर पर लसिथ मलिंगा, जिन्होंने एक बार फिर से टीम मुंबई इंडियंस में वापसी की है और 11वें नंबर पर वही खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि लसिथ मलिंगा ने पिछले सीजन का आईपीएल नहीं खेला था और वो टीम मुंबई इंडियंस के साथ एक मेंटर की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन दोस्तों मलिंगा ने एक बार फिर से मुंबई इंडियंस में वापसी कर ली है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी बैकअप के बारे में, जहां पर टीम के पास काफी अच्छी गेंदबाजी बैकअप मौजूद है। बैकअप के तौर पर मुंबई के पास एडम मिलने, राहुल चहर और बरिंदर सन जैसे अच्छे गेंदबाज मौजूद हैं। तो दोस्तों ये रही हमारे हिसाब से फाइनल प्लेइंग 11।
आपको क्या लगता है वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिनको टीम मुंबई इंडियंस आईपीएल में मैच खेलने का मौका देगी, यानी क्या प्लेइंग 11 हो सकती है मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2019 के लिए? दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।